प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश हो रही है, वहीं रविवार तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में तीन सिस्टम एक साथ सक्रिय हुए हैं, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला और एक बार फिर मॉनसून प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक्टिव नजर आ रहा है, जिसके चलते भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है और रविवार तक बारिश का दौर इसी तरह रहने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त तीन सिस्टम सक्रिय हुए हैं और ये तीनों सिस्टम मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों में जारी हुआ। 11 ऐसे जिले हैं जहां पर अगले 24 घंटे तक तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर मॉनसून की एक्टिविटी की बात की जाए तो लगातार मॉनसून इस बार एक्टिव रहा है। बीच में एक हफ्ते जरूर मॉनसून थम गया था और जिसके चलते तेज धूप भी प्रदेश में निकली थी, लेकिन एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हुआ है। भारी बारिश का अलर्ट अब जारी किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इस खबर पर हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक पीके शाह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। गुड मॉर्निंग। बहुत सारे सिस्टम प्रदेश में सक्रिय है। एक तो मानसून ट्रफ भी ग्वालियर और सतना से होते हुए गुजर रहा है और एक नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवात भी है जी, और एक ट्रफ लाइन नॉर्थ ईस्ट यूपी से गुजरात तक बनी हुई है। इन सब सिस्टमों के कारण पूरे प्रदेश में ही अच्छी बारिश हो रही है, कहीं कहीं भारी वर्षा भी रिकॉर्ड हुई है, विशेषकर टीकमगढ़ में, छतरपुर में और सीहोर में भी भारी वर्षा दर्ज की गई अभी तक। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी सिटी में 24 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है और एयरपोर्ट में 7.8 मिलीमीटर है। पूरे प्रदेश में ही आज लाइट टू मॉडरेट रेन तो पूरे प्रदेश में ही लगभग हुआ है और जी, पीके शाह जी, जो तीन सिस्टम प्रदेश पर बने हुए हैं, जो तीन सिस्टम हैं जी, जो तीन सिस्टम बने हुए हैं, वो कब से एक्टिव हैं और अगले कितने दिनों तक ये एक्टिव रहने वाले हैं? दो दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है, उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और जैसा मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अभी अगले दो तीन दिनों तक इस तरह का ही मौसम मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तीन सिस्टम मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो भारी बारिश का अलर्ट भी प्रदेश में जारी किया गया है।